जन सरोकार मंच, टोंक के देवेंद्र जी जोशी जी ने मुझे आज फिर पुनः आमंत्रित किया है रचनाएं पढ़ने और अपने विचार प्रकट करने का सुनहरी मौका दिया है। इसके लिए मैं हृदय से उनकी आभारी हूं, और जो भी कोई सुनेंगे जुड़ेंगे उन सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है उन सबका। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे पुनः अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है। तो इसमें कुछ मेरे लेखन के बारे में, कुछ मेरे कविता संग्रह के बारे में, और हिंदी राजस्थानी की एक दो कविता पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगी। मैं सावित्री चौधरी, जयपुर से। मुझे पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक था। हालांकि मैं दो कक्षा से आगे नहीं पढ़ सकी, लेकिन दिन रात जब मौका मिला, जब टाइम मिला, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की लगन के कारण ही मुझे ये लिखने का सौभाग्य मिला, या माँ शारदा का मुझे वरदान मिला है, जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त न करने पर भी मैंने लेखन में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की। इसे मैं माँ शारदा का, ईश्वर का वरदान मानकर नमन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, प्रणाम है। शुरू शुरू में मुझे बहुत शौक था लिखने का, लेकिन मैं प्रयास करती, छोटी छोटी रचनाएं लिखकर भेजने लगी, पर वो जैसे जाती थी वैसे ही लौटकर आ जाती थी। तो मैंने फिर सोचा भी ऐसे ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने अंबाला कहानी लेखन का कोर्स किया, उससे मुझे बहुत मदद मिली, और 1979 से मेरी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तो फिर तो दिन दूना रात चौगुना में मुझ में उत्साह आता गया, उबाल आ गया लेखन के प्रति, कि मैं भी लिख सकती हूँ, मेरा लिखा भी छप सकता है। बस इसी तरह धीरे 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 धीरे, राजस्थानी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो सभी बोलते हैं, और पंजाबी भी मैं बोल लेती हूँ, लिख पढ़ लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने पंजाबी में अनुवाद करके दो कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए, हिंदी और राजस्थानी में। और सबसे पहले मैंने 2008 में अपना एक राजस्थानी कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया, मनचाही आजादी, जो कि अमेरिका की एक लाइब्रेरी में उपलब्ध है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की, बहुत ही खुशी की बात है कि मैं, मेरा पहला कहानी संग्रह अमेरिका की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। उसके बाद मैंने जो भी लिखा, धीरे धीरे कई कहानियां, लघु कथाएं पुरस्कृत होती गई, मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं अच्छा लिखने का प्रयास करती गई। धीरे 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 करके मैंने 2005 में आकाशवाणी के लिए एक नाटक लिखा, प्रीत का मत। वह 2005 में आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे भाई, कहाँ तो मैं सोचती थी क्या कभी मेरी लिखी 5 लाइनें प्रकाशित होगी, पर एक दिन ऐसा आया कि आकाशवाणी से पहला लिखा हुआ नाटक ही प्रसारित हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, माँ शारदा को नमन करती हूँ। वैसे मैं कभी किसी के पास गई नहीं मेरी कोई रचना का करेक्शन करवाने, या ये पूछने ये करूं वो करूं। अपनी रचनाओं की गलतियां मैं स्वयं ही निकालती थी, 10 10 12 12 दिन, महीने 20 दिन पड़ी रही, तो भी मैंने किसी से ये नहीं कहा। आप देखिए, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं, लेख, कहानियां, उनसे मात्रा बिंदी लगाकर मैंने उन्हें प्रकाशित होने के लिए भेजा, और धीरे धीरे मेरी रचनाएं 70 पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तो यह मेरे लिए बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात थी, और अब धीरे धीरे करते हुए मेरी 20वीं किताब आने वाली है। अभी थोड़े दिन हुए तब मैंने पंजाबी से अनुवाद की हुई ये पंजाबी की प्रतिनिधि कहानियां,
कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया है। ये साहित्यगार से प्रकाशित हुआ है, हिमांशु, साहित्यगार के हिमांशु जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन्हें। उन्होंने बहुत जल्दी से प्रकाशित किया। आवरण पृष्ठ भी इसका बहुत सुंदर है। इसके बाद बोधि प्रकाशन से मैंने लघु कथा संग्रह प्रकाशित करवाया परख। इसकी में प्रकाशित लघु कथाएं भी ज्यादातर सब प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। इसमें से मैं आपको अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक परख है और लघु कथा संग्रह भी का नाम शीर्षक भी मैंने परख ही रखा है। तो पहले मैं आपको मेरी ये लघु कथा सुनाती हूँ, परख। ये मेरी लघु कथा है जो अभी मैं आपको सुनाऊंगी। ये पृष्ठ 71 पर प्रकाशित हुई है। लीजिए, अब आप मेरी लघु कथा परख सुनिए। साहब जी, एसपी साहब के बेटे को आपने रंगों हाथों पकड़ा है, पर छोड़ देना चाहिए। कारण, क्रोधी स्वभाव के एसपी साहब के सामने कानून का पक्ष लिया तो शर्तिया आपके गोली मार देंगे। डरी आवाज में राय दे रहे सिपाही ने एसपी साहब की जीप को आते हुए देखा तो भय के मारे बात अधूरी छोड़ दी। सर, जय हिंद, दरोगा जी ने अदब से कहा तो भी वे अंट संट बकने लगे, किंतु उन्होंने दबंगता से बताया, सर, आपके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, कल रिमांड। नहीं, तुम मेरे बेटे का रिमांड नहीं लोगे, यह मेरा हुक्म है। सर, कानून के सामने तो पावरफुल अधिकारी हो या मंत्री कोई मायने नहीं रखता। बंद करो बकवास। थाने जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में रिवाल्वर लाना भूल गया, नहीं तो तुम पर ईमानदारी, उसूलों और सिद्धांतों का चढ़ा नशा उतार देता अभी। कल तो थानेदार बने हो, आज ही तानाशाही शुरू कर दी। तुम जैसे कई नए रंग रूट को मैं थानेदारी करना भुला चुका हूँ। जानते नहीं, वरना मेरे सामने तुम क्यों भी नहीं करते। तुम्हारी तरक्की तो क्या थानेदारी भी जा सकती है, सोच लेना। सर, ईमानदारी, उसूलों और सिद्धांतों के लिए मैं थानेदारी हजारों दफे कुर्बान कर सकता हूँ। वे स्वाभिमान से तनते हुए बोले, ईमानदार इंसान के आत्मबल का आपको पता नहीं है, तभी तो मुझे डरा धमका रहे हैं आप। दबंगता से कहा उन्होंने और आत्मबल से जगमगा रही आंखों से उनकी ओर देखा तो रोबदार चेहरे पर कालिमा सी छा गई। वे मनी मन में बहुत गिरा हुआ इंसान समझने लगे स्वयं को। तभी तो वे तू तड़ाक की बजाय सम्मान से बोल पड़े, दरोगा जी, मेरी धमकियों का बुरा मत मानिए। मैं तो आपको परख रहा था, मेरे बेटे को रंगे हाथों हीरोइन की तस्करी करते गिरफ्तार कर आपने शाबाशी का काम किया है। मेरी भी आंखें खोल दी, आपकी तारीफ करने को मुझे तो शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। यह परख मेरी लघु कथा 2-3 बार पुरस्कृत भी हो चुकी है और कई पत्रिकाओं में इस समीक्षा भी इसकी बहुत छोटी है, लेकिन समीक्षा अच्छी आई थी इसकी। अब मैं आपको एक लघु कथा और सुना रही हूँ, इसी लघु कथा संग्रह से। इसका शीर्षक है लाडली। वे दोनों माँ बेटा उसके पीछे पड़े हुए थे कि बेटी को जन्म नहीं देना है, पर उसने साफ मना कर दिया कि कोख में हत्या नहीं कराऊंगी बेटी की। फिर तो पति ने धमकी दी, सोच लेना, तुम्हारी जिद से खत्म हो सकता है हमारा रिश्ता। आपको चाहिए बेटा और माँ जी को पोता, किंतु मुझे तो बच्चा चाहिए।
बेटा हो या बेटी, आप दोनों तो क्या किसी में भी साहस नहीं है इतना जो मेरी बेटी की हत्या करवा सके कोख में। रहा प्रश्न हमारे भविष्य के रिश्ते का, तो जिस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। दबंगता से यह कहकर उसने तुरंत मोबाइल उठाया और दिलेरी से धमकी दी, अभी करती हूँ थाने में फोन, जेल जाओगे। जी जी तभी आप दोनों पर चढ़ा, बेटे और पोते का भूत उतरेगा। बेटी को जीवित जन्म देने के लिए मरने मारने की ठान चुकी हूं मैं तो। फिर चाहे वह कोई भी हो, आप दोनों किसी वहम में न रहना। पत्नी का चढ़ा पारा, मनोबल, दबंगता, दो टूक निर्णय और धमकी सुनते ही उसका क्रोध उड़ गया कपूर की तरह। बेटे की चाहत दफन हो गई मन में ही। अजन्मी बेटी जो कि उसी की देन है, के प्रति पत्नी की असीम मोह ममता देखकर उसने स्वयं को बहुत धिकारा। ग्लानि से आंखें नम हो गई, रुंधे कंठ से क्षमा मांगी पत्नी से। हृदय में बेटी के लिए लाड प्यार की मानो बाढ़ आ गई थी। तभी बड़े प्रेम भाव से पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उषा आज और अभी से मेरी भी लाडली है तुम्हारी बेटी। अब मैं आपको माँ पर लिखी एक कविता सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है, ये कहाँ का दस्तूर है माँ। आप सब जो सुन रहे हैं उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। कमेंट का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। नमस्कार है आप सबको मेरी ओर से। कविता का शीर्षक है, ये कहाँ का दस्तूर है माँ। मत मारो मुझे माँ, बेटी हूं तो क्या नहीं जन्मोगी मुझे माँ। मारा नहीं तुम्हें नानी ने माँ, मारा नहीं तुम्हें नानी ने माँ, फिर क्यों मुझे मरवाना चाहती हो माँ। क्या कसूर है मेरा बता दे माँ, क्या कसूर है मेरा बता दे माँ। सहारा बनूंगी करूंगी सारे काम माँ, सहारा बनूंगी करूंगी सारे काम माँ। दो जन्म मुझे ना डरो पापा से माँ, दो जन्म मुझे ना डरो पापा से माँ। भूखी प्यासी रखना मत पिलाना दूध माँ, भूखी प्यासी रखना मत पिलाना दूध माँ। पीकर आंसू खाकर गम जीऊंगी माँ, पीकर आंसू खाकर गम जीऊंगी माँ। एक बार जन्म कर दिखा दे माँ, एक बार जन्म कर दिखा दे माँ। फिर मेरे कमाल देख लेना माँ, फिर मेरे कमाल देख लेना माँ। बेटे का लाड लड़ाए हरदम माँ, बेटे का लाड लड़ाए हरदम माँ। बेटी को देख सल माथे क्यों डाले माँ, बेटी को देख सल माथे क्यों डाले माँ। ये कहाँ का दस्तूर है माँ, ये कहाँ का दस्तूर है माँ। अब मैं आपको मेरी एक राजस्थानी कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है, अब वह बात कट है। पनघट रहा दिन चौपाल रही रात कट है, पनघट रहा दिन चौपाल रही रात कट है। गांव में पहला जिसी अब वह बात कट है, गांव में अब पहला जिसी वह बात कट है। अलोप हो गया आमरी डाली सुहिंदा, अलोप हो गया आमरी डाली सुहिंदा। झील में जल परियां री वह बरात कट है, झील में जल परियां री वाह बरात कट है। ईद रा दिन अब लग गया है फीका फीका, ईद रा दिन अब लग गया है फीका फीका। होली में रंगारो मेह कट है, होली में रंगारो मेह कट है। सौगात में सगला बंद लिफाफा ल्यावे है, सौगात में सगला बंद लिफाफा ल्यावे है। मिले है अब फूलारी सौगात कट है, मिले है अब फूलारी सौगात कट है। दरबारा आली कोठी सु भाग चाला, दरबारा आली कोठी सु भाग चाला। ई बस्ती में मिले है खैरात कट है,
बस्ती में मिले है खैरात कठे, रेत रे इठे प्रेम रो मान सरोवर है, रेत रे इठे प्रेम रो मान सरोवर है। गया नदी नाले में दोवन हाथ कठे, गया नदी नाले में दोवन हाथ कठे। आथन सु पहला अच्छो है एहसास होयो, आथन से पहला अच्छो है एहसास होयो। चांद रे सामी जुगनू री औकात कठे, चांद रे सामी जुगनू री औकात कठे। बात बात माथे शहर में गोली चाले है, बात बात माथे शहर में गोली चाले है। अब जूती चप्पल अर लात कठे, चाले है अब जूती चप्पल अर लात कठे। आथन सु पहला सुरजीरो निसरनो बंद करे, आथन सु पहला सुरजीरो निसरनो बंद करे। अगन आला में इतनी औकात कठे, उगन आला में इतनी औकात कठे। अब मैं आपको मेरे कहानी संग्रह रेशमी गुच्छी साहित्यकार से प्रकाशित होकर आया है, इसमें से मैं आपको अपनी एक कहानी प्रकाशित हुई है, वो ये अंक अभी प्रकाशित हुआ है, इसमें से मैं आपको एक मेरी कहानी सुना रही हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात, इस कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ी बात। मई माह के शुरू होते ही इतनी तेज गर्मी पड़ रही है तो जून में जैसे आसमान से आग ही बरसेगी। आंगन में इधर उधर बेचैनी से चक्कर काटते हुए बड़बड़ा रहे थे महेंद्र जी। उनको रविवार छुट्टी वाला दिन घर में बिताना बहुत बुरा लगता है, उनका मन करता है छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर में जाकर बैठ जाएं। वहां जनरेटर से पंखा तो चलता है, गर्मी से तो थोड़ा आराम मिलेगा। पिछले रविवार का दिन भी बहुत गर्म था, रात से ही बिजली गुल थी और इन्वर्टर भी खराब हो रहा था। अंदर की उमस से परेशान होकर वे बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। घर का यह छोटा सा बरामदा लिविंग रूम का भी काम देता है, घर के सब लोग सुबह शाम और शाम की चाय यहीं बैठकर पीते हैं। उनकी पत्नी मंजू को बागवानी का बहुत शौक है। आंगन में नींबू, मोतिया, अशोक और अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। बरामदे की दीवारों पर घूमती हुई मनी प्लांट, चमेली की बेलें और पेड़ों की छाया इस गर्मी में भी शीतलता का सुखद एहसास देती है। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी, पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मन ही मन में बिजली वालों को कोसते हुए उन्होंने अपनी बुशर्ट भी उतार दी और अखबार पढ़ने का उपक्रम करने लगे। अखबार से पढ़ने का काम कम और पंखा जलने का काम ज्यादा ले रहे थे। तभी उनकी बेटी बरामदे में पड़े जूठे कप प्लेट उठाने आई। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी तो तमक कर कहा, ये क्या पापा, अभी कुछ भी देर में मेरी सहेलियां आने वाली है और आपने तो बुशर्ट भी उतार रखी है। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, उन्होंने तुरंत ही बुशर्ट पहनते हुए कहा। जी माधवी की सहेली शिखा का बर्थडे था। वैसे तो रात को बर्थडे की पार्टी LMB होटल में रखी थी, पर शिखा ने अपनी सहेलियों को लंच के लिए भी अपने घर पर बुलाया हुआ था। दोपहर के 12 बजने वाले थे। पार्टी में जाने के लिए माधवी ने पिंक कलर की प्योर जॉर्जेट में मिनी स्कर्ट, मोतियों के काम वाला स्लीव लेस डीप नेक वाला ब्लाउज और मैचिंग ज्वेलरी पहनी। होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई। कोमल पैरों में गुलाबी नगों से जड़े ट्रांसपेरेंट स्लीपर पहनकर परफ्यूम से महकती माधवी बाहर आई और बताया, पापा
पापा रात को घर आने में देर हो जाएगी, आप चिंता न करें। बेटी की बातें सुनकर उन्होंने अखबार से नजरें उठाई। बेटी को देखते ही उनके चेहरे पर क्रोध और शर्म के भाव उमड़ आए। छोटे और पारदर्शी कपड़ों में युवा बेटी के बदन की गोलाइयां साफ नजर आ रही थी। आधुनिकता के नाम पर ऐसा अंग प्रदर्शन उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बेटी को उसकी पोशाक के बारे में टोकना चाहा, पर तभी उसकी सहेलियां आ गईं। उनकी सहेलियों के सामने बेटी को कुछ कहना उचित नहीं लगा, इसलिए चुप करके रह गए। बेटी के जाते ही उन्होंने पत्नी को डांटते हुए कहा, मंजू, माधवी अब बड़ी हो गई है, उसका ऐसा बदन उघाड़ू पोशाक पहनकर पार्टियों में जाना अच्छी बात नहीं है। तुम क्यों नहीं उसे समझाती? पत्नी ने बात को टालते हुए कहा, आप गर्मी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? आजकल के बच्चे किसी की बात सुनते नहीं हैं, नए जमाने के साथ बदलना ही पड़ता है। बदलना, बदलाव लाना तो ठीक है, पर अपनी मान मर्यादा शर्म हया को ताक पर रखकर बदलाव लाना तो कतई अच्छा नहीं। सब टीवी की मेहरबानी है, कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को पार्टी से माधवी जब घर लौटी, तब उसका बड़ा भाई मनोज मित्र जयंत के साथ बरामदे में ही बैठा था। माधवी ने जयंत को नमस्ते की और अंदर चली गई, पर जयंत की नजरें आखिर तक उसका पीछा करती रहीं। मनोज ने जब जयंत को माधवी को इस तरह घूरते देखा, तब उसका क्रोध से पारा चढ़ गया। जयंती का ध्यान माधवी पर से हटाने के लिए मनोज ने रुखाई से पूछा, हाँ तो जयंत, तुम क्या कह रहे थे? मनोज का गुस्सा भांप कर जयंत सहम सा गया, नहीं कुछ नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, माँ राह देख रही होगी। मनोज कुछ नहीं बोला, क्रोध से भरा बैठा रहा। जयंत का माधवी को घूरना उसके हृदय में फांस बनकर चुभ रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया, वह उठा और भीतर जाते ही बहन को डांटने लगा, माधवी ड्रेस तो अदब की सलीके की पहननी चाहिए, अब तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, मेरे मित्र भी घर पर आते हैं। भाई के इस अप्रत्याशित क्रोध के लिए वह तनिक भी तैयार नहीं थी। वह भी क्रोध से लाल पीली हो गई और चिल्लाते हुए कहा, भैया अपने तकियानुसी विचार और नसीहत अपने तक ही रखो, न जाने आप कौन से युग में रहते हो। वैसे भी मेरा जीवन मेरा अपना है, मैं क्या पहनूं और क्या न पहनूं, ये सब कहने टोकने वाले आप कौन होते हैं? पापा जी अपने दोनों बच्चों को शांत करवाते हुए कहने लगे, मनोज माधवी तुम्हारी छोटी बहन है, यदि उसे कुछ कहना है समझाना है तो प्यार से समझाओ। फिर हंसकर बेटी से कहा, माधवी मेरा जीवन भी तो मेरा अपना है, मैं बुशर्ट पहनूं या न पहनूं इससे तुम्हें या तुम्हारी सहेलियों को क्या लेना है। मौके पर कही हुई बात माधवी के मन पर असर कर गई। वह समझ गई कि परिवार के सब सदस्यों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है, सबकी भावनाओं और मान मर्यादाओं का ध्यान रखने से ही पारस्परिक प्रेम और आदर बढ़ता है। उसे अचानक याद आया, कहीं पढ़ा या सुना था कि खाओ मन पसंद, पहनो जग पसंद। अपनी गलती का एहसास होते ही माधवी ने मन ही मन में निश्चय किया कि आगे से वह सबकी भावनाओं का ध्यान रखेगी। माधवी और मनोज दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा और पापा जी प्यार से अपने दोनों बच्चों को गले लगाते हुए बोले, तुम दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको एक और कहानी इसी रेशमी गुच्छी कहानी संग्रह से सुना रही हूं। इसका शीर्षक है कंकाल। इतवार को सुबह 10 बजे महेंद्र ने तैयार होकर बाहर जाने से पहले टीवी देख रही माँ से कहा, बैठक की सजावटी चीजों को एक बार फिर से अच्छी तरह पोंछ देना कपड़े से,
हर चीज नई नकोर चमचमाती दिखनी चाहिए। और हाँ, आज तो खूब सुंदर साड़ी ढंग से पहन लेना, मैं कुछ ही देर में वापस आ रहा हूं, उतावलेपन से कहता हुआ महेंद्र तो यह जा वह जा। उसकी माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मन्ने तो साड़ी वाड़ी बांधनी आफत सी लग गए, मारे पैरेड़ा ए घाघरा ओढ़नी मन्ने तो सोना और सोरा लग गए। थोड़ी देर बाद ही महेंद्र एक सुंदर स्मार्ट युवा लड़की को साथ लेकर आ पहुंचा। वह लड़की नए फैशन के छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी, युवकों जैसे बाल कटा छटा रखे थे और होठों पर गहरी लिपस्टिक, चेहरे पर खूब पाउडर लगा रखा था। बड़ी आंखें काजल से और भी बड़ी लग रही थी। डिंपल, ये है मेरे पापा जी और मम्मी, और पापा जी ये है मिस डिंपल। महेंद्र ने घर में आते ही डिंपल को पापा जी और मम्मी से मिलवाया। ओहो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहते हुए उसने उनके पैरों के हाथ लगाने के लिए तनिक सी गर्दन नीची कर दिखावा सा किया पांव को छूने का। पापा जी, डिंपल और मैंने जल्दी विवाह करने का फैसला किया है, कोर्ट मैरिज करेंगे हम तो। महेंद्र ने अचानक अपना यह फैसला सुनाकर जैसे धमाका ही किया था। उसके मम्मी पापा को शक तो काफी दिनों से हो रहा था कि महेंद्र का किसी लड़की से खास हेलमेल हो रहा है, पर उस हेलमेल लगाव का नजारा अचानक इस रूप में दिखाई देगा, इस बात का उनको अंदाजा ही नहीं था। खैर, अब तो लुका छिपी की बात ही नहीं रही। डिंपल सोफे पर आराम से बैठ गई और हंस हंस कर बतियाने लगी। भ्रष्टाचार, महंगाई, राजनीति, खेल कूद और नई फिल्मों आदि, ऐसे न जाने कितने ही विषयों समस्याओं पर वह फर्राटे से बात करने लगी, कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में बोलकर। महेंद्र की माँ जमुना तो हक्की बक्की रह गई उसकी बातें सुनकर। सोचा, अब इन छोरी के सामने मैं तो जिया सफा गैली हूँ, एकदम पागल, के कहूँ के बात करूं मैं। इस तरह दुविधा में पड़ी वह तो चाय बनाने के लिए कहकर रसोई में चली गई। काफी देर में बैठे आई और पुराने जमाने में लड़के वालों को दिखाने के लिए बुलाई शर्माती हुई लड़की जैसे सिमट कर एक और बैठ गई। कुछ देर बैठकर डिंपल चलती बनी, पर जमुना के मन में बहुत खलबली मचा गई। उसने घबराते हुए सोचा, बेटे को इस छोरी से ब्याह करने के वास्ते मैं तो मना ही नहीं कर सका। हाकम बेटे की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो माने, डांट तो दड़का तो देर नहीं लगा सी। महेंद्र उनका इकलौता बेटा था, वे किसी भी तरह उसका मन नहीं दुखाएंगे। फिर लड़की भी तो लाखों में एक है, जैसे नंद वैसे ही गोविंद, वह भी तो अधिकारी है, महेंद्र के बराबर ही उसकी भी तनख्वाह है। और इन सब बातों के अलावा वह खूब सुंदर, हंसमुख और होशियार है, तेज तर्रार भी है। यह सब सोचकर उसके हृदय में चिंता की बाढ़ आ गई कि ऐसी होशियार, तेज तर्रार, मूर्सी परी सुंदर और अफसर छोरी बहू बनकर आएगी तो कैसे निभा होगा मेरा उसके साथ। थोड़ी सी तो पड़ी हुई है जमुना, पर उस तेज तर्रार अफसर छोरी जितनी होशियारी कहाँ से लाएगी वह। उसका तो रहन सहन, बोल चाल का तरीका एकदम पुराने चाल ढाल का है, स्वभाव की भी बहुत ही सीधी सरल है, न उदो से लेना न मादों को देना। सो इस नए जमाने की फैशन वाली और खूब कमाऊ अधिकारी बहू के नाते वह अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करेगी, कौन सा हुक्म चलाएगी, इसी चिंता फिक्र में डूब रही है वह। उस दिन चिंता में डूबी जमुना ने रोटी सब्जी बनाई, पर सदा जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकी। क्या बात है, आज तो सब्जी में नमक भी नहीं है और रोटी भी सख्त सेकी है, खाखरे जैसी। कहाँ था तुम्हारा ध्यान, मैं तो नहीं खा सकता ऐसी बेस्वाद सब्जी और सूखी रोटी, जा पटक दे बाहर, खा लेगा कोई जानवर। जमुना के पति ने चाहे जैसे अंट संट बकते हुए थाली जमीन पर पटक दी। पत्नी की भूल चूक या कोर कसर पर जो पति पत्नी को डांटे डपटे फटकारे नहीं, वह पति कैसा। माँ डिंपल तो बैंक में अधिकारी है,
तो भी तरह तरह की सब्जी, दाल, रायता, पूरी, कचौड़ी, मिठाई आदि पकवान ऐसे स्वादिष्ट बनाती है कि पेट भर जाए, नियत नहीं भरे खाने वाले की। बेमन से खाना खाते हुए महेंद्र ने होने वाली पत्नी की तारीफ की। महेंद्र की माँ, अब तो तुम्हें भी नई बहू से ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। 30 बरस पहले जब वह विवाह होने पर ससुराल आई थी, तब भी पति ने सास से जायकेदार तरह तरह की चीजें बनाना सीखने की ताकीद करी थी। अब बेटे का विवाह होने वाला है तो भी पति नए रंग ढंग का खाना बनाना सीखने की सलाह दे रहा है। वह अब तक जो 30 वर्षों से रसोई में व्यस्त रही, खपती रही, वह तो सब सारा अचानक अकारित हो गया, व्यर्थ चला गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने तय कर लिया कि आज से सभी काम सिलसिले से बहुत चतुराई से करेगी। तेज तर्रार अधिकारी बहू की टोका टाकी, अफसरों जैसे आदेश तो उसे सहन नहीं होंगे कतई। वैसे तो वह काम करती हुई कोई ना कोई भजन, गीत, गाना गुनगुनाती रहती थी, पर आज तो घर में सन्नाटा छा रहा है। उसने सोचा, नई बहू आ जासी, तुम्हारा पुराना भजन गीत गाना सुनकर हंसेगी, या आदत तो अब छोड़नी पड़सी। सो वह जबरदस्ती होठों को बीचकर काम में लगी रही, पर मन बहुत ही कसमसाता रहा उसका बन्ने, घोड़ी, बात आदि गीत गाने गुनगुनाने के लिए। वह कपड़े धो रही थी तभी पड़ोसन ने आते ही कहा, अरे भाभी जी, अभी तक भी काम नहीं सलटाया, हमें तो सत्संग में चलना था ना। आ बात भूल गई मैं तो वृंदा जी, उसने बताया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। ऐसे डुलमुल काम करोगी तो कैसे पार पड़ेगी भाभी जी? आपकी आने वाली बहू तो बहुत होशियार और चंट चालाक लगी मुझे तो। अच्छा, थाने महेंद्र बतायो हो सी? ना भाभी जी, मैंने तो घर के बाहर खड़ी होकर सुनी थी उसकी बातें, पड़ोसन ने बताया। उसने कुछ नहीं कहा और पड़ोसन के साथ सत्संग में चल दी। वहां से वापस आई और भजनों की एक किताब लेकर आंगन में पड़े मुढ़े पर बैठकर पढ़ने लगी तो नींद आ गई। हे भगवान, ये औरत तो जैसे कुंभकर्ण की बहन है, चाहे जहां ही बैठी हो नींद आ जाती है, जबकि मुझे तो नरम गद्देदार पलंग पर भी नींद नहीं आती। जल्दी सारी सारी रात करवटे बदलता रहता हूं मैं तो, पति ने बड़बड़ाते हुए कहा तो उसकी नींद उजट गई। बेचारी कुछ ना कह सकी, चुपचाप चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चल दी। मन में बहुत ही निराशा, बेचैनी, हीन भावना भर गई, हृदय बहुत ही दुखी हो गया। सोचा, आज तो ये टोक रहा है कोई बात नहीं, पर जब बहू के आने पर भी ऐसे ही टोका टाकी करते रहे, तब तो वह भी जरूर इनकी तरह ही बात बात में नुक्स निकालेगी और मेरे पर करेगी हुकूमत, रोब जमाएगी, मुफ्त की नौकरानी समझेगी। रात को महेंद्र टीवी पर आ रही नई फिल्म डर्टी पिक्चर देखने लगा, पर जमुना को तो नई फिल्में बहुत बुरी लगती है। अदनंगी जवान लड़कियों को फिल्मों में बेहुदे गानों पर नाचते और बराबर के लड़कों के साथ बेशर्मी से चुमा चाटी करते देख शर्म से गड़ जाती है वह तो। पर उसने अब सोचा कि बहू तो नई फिल्मों को खूब सराह रही थी और नई फिल्मों के कलाकारों के नाम भी फटाफट बता रही थी, मुझे भी नई फिल्मों के कलाकारों के नाम याद करने चाहिए। यह सोचकर वह फिल्म में नाच गा रहे कलाकारों के नाम पूछने के लिए पीछे पड़ गई बेटे की माँ। जब बहू आ जाएगी तो क्या घर के काम धंधे छोड़कर नई फिल्में देखोगी तुम? पहले के जमाने में तो बहू आने के बाद सास तो तीर्थ यात्रा करने चल देती थी। मारे करमड़े में कठे लिखी है तीर्थ यात्रा, मन में यह कहते हुए उसके कलेजे में होग उठे। उस दिन रात को गहरी नींद भी नहीं आई उसे, रह रहकर आल जंजाल सताते रहे सपने में, जैसे कभी तो रसोई में बर्तन मांज रही है, कभी आंगन में कपड़े धो रही है। एक बार तो देखा कि वह सुबह से भूखी प्यासी घर के कामों में जुत रही है नौकरानी की तरह, और बहू हाथ में बैंत लिए उसको फटकार रही है
जल्दी जल्दी काम करने का तकाजा करती हुई बैंत को लहरा रही है, जैसे सर्कस का रिंग मास्टर पालतू जानवरों को सिखाए हुए कर्तव्य करने के लिए हाथ में पकड़ा चाबुक लहराता रहता है, ताकि मार के भय से जानवर उसके इशारे के अनुसार कर्तव्य दिखाते रहें, करते रहें दर्शकों का मनोरंजन। पर जमुना बहुत ही थक गई, इसलिए आंगन में पड़े मुड़े पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई। तभी बहू ने उसके जोर से बेंत की मार दी और वह जोर से चिल्ला कर पड़ी। अरे क्या हो गया महेंद्र की माँ, कैसे चिल्लाई? अचानक नींद से जाकर पति ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई बुरा सपना डरावना देखा था? हाँ जी, एक बहुत ही डरावना दुखदाई सपनों देखी है मैं तो, उसने भयभीत स्वर में बताया। उसका कलेजा कांप रहा था। अच्छी तरह जी में कुछ तसल्ली होने के बाद सपने की बात सोचकर उसने आराम की सांस ली। फिर वह कुछ दुख से, कुछ व्यथा से, कुछ खुशामद के स्वर में पति से कहने लगी, हैं जी बेटे को ब्याह करया पछे आपा तो दोनों जना गांव में ही चाल कर रवांगा, क्योंकि नई बहू शर्म संको तो जाने नहीं, कान कायदो भी नहीं जाने जरा भी मत साथ मारो निभाव तो नहीं होनो कदे भी। अब ई उम्र में आकर मैं बहू के मन माफी किया बदल सकूं, के सीखूंगी तेज तर्रार हाकिम बहू से। इतना कहकर वह कुछ देर चुप रही। पति ने कुछ भी नहीं कहा तो वह वहां से जोर में बोली, मारी यही बिनती है थे अनसुनी ना करियो, नहीं तो अठे झुर झुर गई हो जासी मारी काया तो कंकाल। पति को अपने मन की व्यथा कहती जमुना का मन भराया और उसकी आंखों से टप टप आंसू डलने लगे, तकिया भीगने लगा। कितना टाइम और है, और पढ़ लूं क्या मैं कोई कहानी? जी लघु कथा पढ़ देती हूँ। नए जमाने की जी हिब्बत इस लघु कथा का शीर्षक है। वे दोनों सैर के समय सुबह पार्क में मिले तो छोटी सी वर्कशॉप के मालिक वरुण ने सहज भाव से पूछा, तुम्हें तो हरीश जी ने पसंद कर लिया होगा, कल उनका ड्राइवर कार की सर्विस कराने आया तब बता रहा था कि साहब जी आज तो नामी बिल्डर नंद जी की बेटी वंदना को देखने जा रहे हैं, उसका पारा चढ़ गया। आपने यह क्यों नहीं पूछा कि मुझे हरीश जी पसंद आ गए क्या? अरे भाई गुस्सा ना हो, मैंने तो इसलिए पूछा कि नामी खानदान के हरीश जी तो लाखों में एक है, बड़े घराने के अकेले वारिस, विश्व में शायद ऐसी ही कोई लड़की होगी जो उन्हें ना पसंद करे। आप दोनों तो सगे भाई हो, फिर वे अकेले वारिस कैसे हो गए अमीर घराने के? वंदना ने पूछा। इस कारण कि मैं तो उनके सुधारवादी नेक पिता की नाजायज औलाद हूं, मेरा जन्म समाज के नियमानुसार नहीं हुआ। दो प्रेमियों के प्यार की निशानी हूं मैं तो, पर समाज के अंधे कानून से डरते लोग प्रेम प्रीत के फूल को तो रात के अंधेरे में कूड़े के ढेर या नदी नाले में फेंक देते हैं, लेकिन विवाह के बाद रात दिन जरा जरा सी बातों पर ही लड़ते झगड़ते पति पत्नी से जो शिशु जन्मता है उसे तो सौभाग्यशाली मानते हैं, किंतु प्यार के सागर में डूबे हुए दो प्रेमियों के मिलन से जो शिशु जन्मता है उसे मनहूस मानते हैं। आपको कौन कहता है मनहूस? वंदना ने असीम प्यार भरी निगाह से कुंदन को निहारते हुए कहा। फिर वह किसी गहरे सोच में डूब गई। हल्की धूप चमकने लगी थी, रंग रंगीले पक्षी इस उस डाल पर बैठे हुए चहचहा रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, भंवरे गुंजार करते हुए पुष्पों पर मंडरा रहे थे। पास के मंदिर में हो रही आरती और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से, अगरबत्तियों की खुशबू से सारा माहौल पवित्र और मनोहारी हो रहा था। अब मैं आपको बता रही हूं कि
कि मुझे तो हरीश जी पसंद नहीं आए कतई। कारण, मैं तो स्वतंत्र विचारों की उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की हूँ, दबंग नए जमाने की उपज। मुझे तो बड़े घराने का नहीं, बड़े विचारों का युवक ही पसंद है, जो किसी बड़े घराने की शोहरत और रोब रुतबे का मोहताज नहीं है, जो मेहनत करने और लोगों के दुख दर्द में सेवा सहायता करने में ही अपनी शान समझता है। यही नहीं, वह तो स्वयं के जन्म को भी अहोभाग्य समझता है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर असीम प्रेम भाव से निहारा और प्रसन्नता भरी हंसी हंसने लगे, मानो कर्ण प्रिय घुंगरू बज रहे हो। उनकी हंसी में अनहद संगीत भरा हुआ था। इस लघु कथा का शीर्षक है कल को। मंगलू पूरी तरह वृद्ध हो गया था, चलने फिरने से भी लाचार। सरपंच मोहर सिंह के पिता के साथ सारी उम्र वफादारी से खेत में साजे की खेती की थी। अब उसकी जगह उसका बेटा भी उसी सरपंच के साथ साजे में खेती कर रहा था, जो कि इस बार फिर सरपंच का चुनाव लड़ रहा था। एक लंबे अरसे से सरदारी की तरह सरपंची भी उसके ही घर चली आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके मुकाबले में खड़े हो सकता है। पर इस बार ऐसी हवा चली कि लगभग सारा गांव सरपंच मोहर सिंह का खुलेआम विरोध कर रहा था। इस कारण सरपंच जी एक एक वोटर को बड़े सियासी दांव पेच अपनाकर अपनी ओर खींच रहे थे। दिन ढलते ही शराब का दौर शुरू हो जाता। हितेशियों की मीटिंग होती, जिसमें दिन भर की प्रगति पर विचार विमर्श किया जाता। पर एक दिन चल रही मीटिंग में चंदू ने आकर बताया, सरपंच जी मंगतू तो चल बसा है। कब? सरपंच जी ने हैरानी से पूछा। जी अभी। ओहो, यदि आज की बजाय नमक हराम कल को मर जाता तो हमारी एक वोट तो नहीं मारी जाती। सरपंच जी ने गहरा सांस लिया। देवेंद्र जी जोशी साहब ने जब से ये फेस बटल बुक पर रूबरू प्रोग्राम किया है, कहाँ कहाँ से लेखकों को, लेखिकाओं को, कवियों को जोड़ा है, उसके लिए सभी आभारी हैं। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत इनका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि मुझे भी इन्होंने मौका दिया, वो भी 2 बार मिल गया, तो बस ये समझो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब मैं ये लघु कथा पढ़ रही हूँ, तमाचा। 2 दिन पूर्व आर्ची के बेटी जन्मी, तभी तो वह बहुत उदास रहने लगी है। आंखों में आंसू तैरते रहते हैं, माँ से पूछे बिना नहीं रह सकी। आर्ची बेटी, क्या बात है, तुम 2 दिनों से बहुत उदास सी दिखाई दे रही हो। माँ, मेरे ससुराल वालों को लड़की पैदा होने का पता चलेगा तो पता नहीं वे क्या कहेंगे, उसने शंकित मन से बताया। अरे पागल, माँ हंस पड़ी, वे लोग पढ़े लिखे शहर वाले हैं, ठहरे क्या कहेंगे, तुझे चिंता ना कर, क्यों भी नहीं करेंगे। माँ, आप सब भी तो उन लोगों की तरह ही खूब पढ़े लिखे परिवार में गिने जाते हो, किंतु देख रही हूँ कि जब से भाभी ने बेटी जन्मी है, उससे कोई भी स्नेह भाव से नहीं बतियाता, न तुम न भाई और न ही पिताजी। जैसे बेटी जन्म कर भाभी ने कोई घोर अपराध किया है। आप सबका भाभी के साथ हृदयहीन रवैया देखकर ही मेरा कलेजा पीपल के पत्ते की तरह हर घड़ी पल कांपता रहता है। अचानक माँ के चेहरे से हंसी उड़ गई, वह मुंह फेर कर कमरे से बाहर चल दी। कारण, बेटी की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कसकर तमाचा मारा है बेटी ने उसके मुंह पर। इस लघु कथा का शीर्षक है काल। काल ने पृथ्वी लोक से मृत आत्माएं लाने के लिए माँ के चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी, पर माँ ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पुत्र का काम बहुत बुरा लगता था। काल उसी दिन माँ को लेकर पृथ्वी लोक गया और कई घरों ऐसे घरों में ले गया जहाँ रोते बिलखते स्वजन अपने प्रिय की अर्थी तैयार कर रहे थे।
काल ने मानव देह धारण कर पूछा, यह व्यक्ति कैसे चल बसा? एक व्यक्ति ने बताया कि शराब ज्यादा पीने से मरा है। किसी ने कहा कि यह लड़का बाइक बहुत तेज चलाता था, एक्सीडेंट से जान गंवा दी। किसी ने कहा कि कैंसर ने जान ले ली। किसी ने कहा कि कर्ज नहीं उतार सका इसलिए आत्महत्या कर ली। दैवीय शक्ति से अदृश्य होकर एक और खड़ी माँ के पास जाकर काल ने कहा, माँ देखा और सुना भी आपने, मुझे किसी ने दोष नहीं दिया। मातेश्री, जन्म और मरण तो विधि का विधान है। मृत आत्माएं लाने का कार्य मैं छोड़ भी दूंगा तो भी कोई ना कोई तो यह कार्य करेगा ही। अब आप सोचकर बताएं, क्या मैं दोषी हूं मृत आत्माएं लाने के लिए? नहीं पुत्र, तुम निर्दोष हो, माँ ने शांत चित्त से कहा। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है पारसाई पति। नववधु के बार बार मना करने पर भी उसने अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में रुधे कंठ से बताया और अपराधी भाव से माफी मांग ली। उसका मन पति के चरणों में लौट गया। सोचने लगी, मैं तो ऐसा ही पारसाई पति चाहती थी। होश संभाला, तब से ही सोमवार का व्रत करने लगी थी। अच्छा घर वर मिलने की मन्नत मानकर आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब तो मैं जिंदगी भर करती रहूंगी सोमवार का व्रत। वह माफी मांगने के बाद मोबाइल के बटन दबा रहा था। नववधू ने सोचा, अपने जिगरी दोस्त को मैसेज कर रहे होंगे कि अब हम हनीमून मनाने जाएंगे। पति की सत्यवादिता से प्रभावित होकर उसने भी डरते सहमते हुए आंखें झुकाकर कॉलेज के सहपाठी से अपने अफेयर की बात बता दी और हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। फिर लरजते स्वर में कहा, आज हमने अग्नि के सामने एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की, हर साल में संग साथ निभाने की कस्में खाई हैं, कोल करार किए हैं। हम अब दोनों ही भुला देंगे कि कभी हमने किसी को चाहा। साली चरित्रहीन, उसकी पूरी बात होने से पहले पति ने उल्टे सीधे थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए घृणा भाव से कहा, तेरा किसी लड़के से अफेयर था या नहीं? यह बात उगलवाने के लिए ही मैंने अपने प्रेम प्रसंगों की बात बताई थी। वे सब झूठी मनगढ़ंत थी। तूने कॉलेज के सहपाठी से अफेयर होने की बात स्वीकार की है। उन्हें मेरे मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। अब मैं इसी आधार पर तुझसे तलाक लूंगा। जा निकल बदकार मेरे कमरे से। मैं तेरे जैसी लूज कैरेक्टर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अंट शंट बकते हुए उसने नववधू को धक्का मारकर कमरे से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया भड़ास।